हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह के ब्रेकफास्ट से। मैं अभी बना रही हूँ माँ, और अभी ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें मैंने पीनट्स और थोड़े से काजू डाले हैं। और अगर ये आपको टेस्टी लग रहा हो देखने में, तो इसकी जो रेसिपी है वो आपको मिल जाएगी मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नाश्ते में उपमे के साथ है गर्मा गर्म चाय। मैंने अमेज़ॉन से मीठी के लिए दो खिलौने ऑर्डर किए थे। एक कल आया और उसे पसंद आया है, देखती हूँ ये वाला पसंद आता है कि नहीं। ये दूसरा आ जाया है, खोल के देखते हैं कैसा है। ये देखो, ये देखो, ये है मीठी का न्यू टॉय। मीठी, हेलो मीठी, हेलो हेलो मीठी। जो नीचे कहीं चलेगा ठीक से, इसको देखो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐ लड़की, ऐ लड़की, देखो क्या है मिठू। सीधा उसका सच में कल से इसको कोई टॉय नहीं देगा, बंद दलू चाहिए इसको, हमको देने को नहीं। ये तो लगा देती। अरे जा, लगा सच में इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, तो अभी आ गई हूँ मैं दोपहर का खाना बनाने, यानी कि लंच रेडी करने। और लंच में आज मैं बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ, बस दो ही चीज़ें, एक सब्जी और एक राइस बनाऊँगी। सब्जी जो है वो आलू गोभी और मटर की। एक्चुअली मुझे और जो है दोनों को ही चावल और ग्रेवी वाली आलू गोभी की सब्ज़ी जो है बहुत पसंद है। तो अभी मैंने इसके मसाले वसाले भुनकर रेडी कर ही लिया था, और उसके साथ में मैंने ये कच्चे आलू, ये अक्सर बॉयल्ड आलू के साथ भी बनता है, बट मैं कच्चे आलू के साथ बना रही हूँ। तो ये मैंने गोभी वोभी डाल दिया है, बस अब इसे ढक ढक कर थोड़ी थोड़ी देर के तक पकाना है, और उसके बाद इसे पानी डालकर इसकी ग्रेवी रेडी कर लेनी है। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है, बट पूरे ठंड हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और मीठी के लिए फिर मैंने खिचड़ी बना लिया है, तो उसका खिचड़ी बन चुका है। उसकी खिचड़ी में मैंने मूँग की दाल, राइस और मटर थोड़े से, और तो ये मैं उसमें अक्सर पम्पकिन डाल देती हूँ, पम्पकिन उसे बहुत अच्छा लगता है, और साथ में एक आलू डाल दिया था। तो ये जो इसका खिचड़ी है ये रेडी है, इसे मैं थोड़ा मसल दूँगी। ऐसे तो ये पूरी तरह से गल चुका है, लेकिन फिर भी मैं मिक्स कर देती हूँ, और थोड़ा इसमें घी ऐड करूँगी। घी के बिना वो बिल्कुल नहीं खाएगी, घी से इसका टेस्ट जो है थोड़ा और अच्छा हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। और उसे खिलाने के लिए तो ऐसे भी मुझे दोपहर का लंच कराने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बट जिसमें अगर पम्पकिन गया हुआ है तो वो खा लेगी इसे ईज़िली। तो मैं खाना रेडी हो चुका है, सब कुछ बन चुका है, और उधर सब्जी जो है वो भी 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। 5-10 मिनट मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 3-4 मिनट में ही वो हो जाएगा, बस एक बॉयल आएगा और रेडी। तो इसे मैं थोड़ा मसल दे रही हूँ, ताकि जो मटर है एक्चुअली पक चुके हैं, पूरी तरह से गल गए हैं, बट फिर भी थोड़े खड़े खड़े से दिख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गले हुए हैं। तो इसे मैं निकाल रही हूँ, और जब मैं खिलाती हूँ इसे मीठी को, तो चम्मच से मैं उसे दबा देती हूँ मटर को, ताकि वो, क्योंकि वो अभी तक बहुत अच्छे से चबाना नहीं जानती है, सारे दांत तो उसके आए नहीं हैं अभी। तो उसका खाना निकाल दिया है, उसे ठंडा होने में 5 से 7 मिनट लगेगा, जब ठंडा हो जाएगा तब मैं उसे बैठा के खिला दूँगी। और ये अभी जो है लाइटिंग वाइटिंग लगने वाला काम जो है दोपहर से स्टार्ट हो गया है, और मीठी की बदमाशी चल रही है बार बार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम हो चुके हैं, शाम के बज रहे हैं 5। आज का जो पूरा दोपहर है वो चला गया है इस काम में। तो हम लोग लगा रहे हैं दिवाली की लाइट्स। दिवाली में अभी है 8-10 दिन, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि जैसे यहाँ, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या है ना, कि बहुत सारे घरों में जो है लाइट्स वगैरह लग गए हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, लगा लेते हैं, थोड़ा त्यौहार सा फील आएगा। तो आज मतलब इतना भी ईजी काम नहीं है, चढ़ चढ़ के। पहले तो सीढ़ी नहीं मिल रही थी भाई साहब, उस टाइम का तो
ये करना चाहिए था, मुझे शूट करना चाहिए था, मेरे और जय की अच्छी बहस होने वाली थी, मिल ही नहीं रही थी। इतना सोसाइटी के गार्ड से, वहाँ के ऑफिस में मैंने कॉल किया, नीचे जाकर गार्ड से कॉल करवाया कि भैया प्लीज़ आधे घंटे के लिए दे दो। यहाँ के जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो सोसाइटी के हैं उनके पास में रहता है सीढ़ी, मैंने कहा आधे घंटे के लिए। इससे पहले मैंने एक बार और लिया था हेल्प के लिए, लेकिन दे दिया था। आज पता नहीं क्या इशू था कि नहीं दे रहे थे रिसीव। अजय का कहना था कि जाओ तुम पड़ोस में पूछ लो। मैं इरिटेट हो गई थी, इधर खाना बनाना था, मीठी परेशान कर रही थी, उसमें मैं नीचे गई हूँ, गार्ड से बात किया है, वहाँ फ़ोन किया है, वहाँ से सुपरवाइज़र का नंबर लेके आई हूँ, और उसके बाद भी जय मुझे बोल रहे हैं। तो फिर मैं गुस्से से नहीं गई, तो जय खुद गए हैं जा कर के सीढ़ी मांग कर लाए। तो ये हमारे पड़ोसी की सीढ़ियाँ हैं, तो उससे काम चल रहा है। तो अब मैं दिखाती हूँ कहाँ कहाँ लाइट लग गए हैं, ऐसे थोड़ा शाम हो जाएगा ना तो फिर लाइट्स ऑन कर दूँगी। तो ये जो क्रिसमस लाइट्स होते हैं वही है जो चारों तरफ लगे हुए हैं। उसके अलावा ये है जो बहुत चारों तरफ ऐसे ही रोल करके लपेट दिया गया है। ये हमारी दूसरी बालकनी, यही सेम लाइट ही है। उस वाले बड़े वाले बालकनी में दो दो करके लगे हैं, यहाँ एक सिंगल से हो गया है कनेक्ट। चलने के बाद समझ में आएगा कैसा लगता है। ये क्या हरकत है, ये तुमने लैपटॉप का क्या हाल किया है और क्यों किया है, क्यों करती हो ऐसा, क्यों करती हो ऐसा, और ये क्या क्या टाइप किया है तुमने लैपटॉप पे। मतलब एक सेकंड हटते ये सारे के सारे बटन्स ये निकाल कर, तुम्हें स्टिल डर नहीं लग रहा ना, नहीं डर लग रहा तुम्हें। ये देखियो अच्छे अच्छे पिटाई पड़ेगा तो। हंसी आ रही तुमको, हंसी आ रही है। मुर्गा बनाऊं अभी, मुर्गा बनोगी? या अच्छा बोलो एप्पल, मीठी एप्पल। मीठी फैन ऑन कर दो, फैन बोलती ऊपर देखेगी। फैन ऑन कर दो, कहाँ से ऑन होगा मिठू, फैन ऑन कर दो जल्दी से। ये हमेशा जब भी कीज निकालती थी ना तो ये किनारे वाले, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ करती रहती थी तो ये यहाँ से ये निकाल देती थी। ये जैसे कि ये की खराब हो चुका है, ये कितना भी कर लो ये नहीं लगता है, तो ये खराब हो गया। और आज पहली बार इसको अंधेरे में मौका मिला और इसने यहाँ के कीज निकाल दिए, और मुझे याद नहीं था कि अब यहाँ पे कौन से जो अल्फाबेट है वो जाएंगे। तो अब ये यहाँ का टू उड़ाया था तो ये तो खैर सेट हो गया। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मैं मोबाइल का जो ये की होता है, मोबाइल के जो ये कीज़ है, यहाँ से अब मैच करके जा रही हूँ लगाने। ये लड़की इतनी बदमाश है और अभी भी इसी फिराक में है कि बस निकाल दे, दो चार और निकाल दे इसमें से। ये देखो तो ऑलरेडी तोड़ चुकी हो, उसमें अब क्या कर रही हो तुम, वो तो किसी लायक नहीं रहा। मेरा दोनों फ़ोन तोड़ चुकी है, दोनों फ़ोन के बाद में ये जा ही नहीं रहा, ये ख़राब हो चुका है इसी की वजह से। अब बिल्कुल नया लैपटॉप है यही लड़की। चलो अब भागो तुम यहाँ से, जाओ अपने टॉयज से खेलो, जाओ जाओ। टॉयज कहाँ हैं तुम्हारे, दो दो टॉयज आ जाए हैं तुम्हारे खेलने वाले, टॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस यही सब करना है। मैं बना रही थी अभी खाना, खाने में बड़ा सिंपल सा खाना मैंने बनाया है, क्योंकि कल थोड़ा सा स्नैक जैसे बहुत कुछ, तो कल तो रात में डिनर भी नहीं हुआ था एक्चुअली, हम लोग बाहर ही उधर ही कुछ चीज़ें हैं स्नैक्स टाइप खा लिए थे, लाइक पनीर टिक्का, चिकन टिक्का। तो अभी मैंने बनाया है, ये आलू है और बीन्स है, आलू बीन्स का सिंपल सा भुजिया बनाया है मैंने, और उसके बाद यहाँ सेक ली है रोटी, और उसके बाद अभी जा रही हूँ बनाने में एक ये ऑमलेट, और मेरा खाना डन है। बस थोड़ा सा जो सब्जी है वो और होगा, और मीठी के लिए मैंने दूध रोटी यहाँ भिगो लिया, थोड़ा सा किचन है उसको मैं समेट के जाऊँगी। और इधर ये मैडम लगी हुई है, थोड़ी ठंड हो गई है दिल्ली में तो मैंने पहना दिया है उसे स्वेटर, और अभी जस्ट उसने डायपर वहीं पड़ा हुआ है, डायपर उसने गीला किया हुआ था तो मैंने नीचे का उसका पैंट निकाला है, और अभी मैं जा रही हूँ उसे वहीं रखा है उसका, इसके सॉक्स और पैंट। एक्चुअली ये भागी है बहुत तेज खेलने, उसके हाथ छुड़ा के तो मैंने अभी छोड़ दिया, तो तब से लगी हुई है। अब ये सारी लाइन से ये सारी चीज़ें अभी इधर उधर से मैं हटा रही हूँ, जैसे कि ये एप्पल ले जा करके उसने उधर फेंका हुआ था वो ले जाकर मैंने यहाँ रखा है, मेरा आईलाइनर
जो मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी, इसमें के दो मैंने खत्म, ये थर्ड मैंने मंगाया हुआ था जो उस दिन मैं शूट कर रही थी तो ड्राई वाला निकला था, और ये मुझे मिला आज पूजा वाले ड्रॉर में। पूजा वाला ड्रॉर की भी इसने बहुत हालत ख़राब करके रखी हुई है, क्योंकि उसमें चार ड्रॉर है, उसमें ऊपर के दोनों ड्रॉर इससे नहीं खुलते हैं, नीचे के ड्रॉर खुल जाते हैं, और उसे खोल के सारा चंदन कुमकुम अक्षर जो भी चीज़ें हैं सब उसको खोल के इसने भयानक फैला के रखा हुआ था। तो उसे आज मैंने क्लीन किया, और क्लीन करने के टाइम मुझे अपना आईलाइनर उसमें मिला है। वो बॉल को बुला, नीचे उसके दोनों बॉल बोल रही हूँ, सॉरी बलून है ब्लैक वाले, और ये बार बार जा रही है और उसे हाथ से ऐसे ऐसे करके बुला रही है कि आ जाओ। ये क्या बदमाशी हो रहा मिठू? सब्जी जल गई मेरी, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। मैं जल गई, हाय राम, इतने स्टॉक से मैंने ये भुजिया बनाया था इस लड़की के चक्कर में। तब तेरी की। तो कल का ब्लॉग मुझे ना एंड नहीं कर पाई, इसके पीछे रीजन था कि कल हम लोग शाम को, जैसे मैंने ब्लॉग में बताया था, शाम को हम लोग चले गए थे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। तो वहाँ पर गए, काफ़ी मज़ा आ रहा था, बट क्या हुआ कि थोड़ा सा मूड सबका ऑफ होने लगा जब इंडिया की इनिंग्स ख़त्म हुई, और थोड़ा सा सब डिसअपॉइंट हो गए थे, और मेरा पता नहीं थोड़ा सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। मुझे उतना मतलब काफ़ी टाइम से ना मैं बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाती, और ख़ासकर शोर वाली जगह पर नहीं जाती हूँ। ऐसे तो पहले मिठी रो रही थी, लेकिन बाद में ये बहुत इन्जॉय कर रही थी। फिर इसके खाने का भी टाइम हो गया था, ऐसा सर दर्द कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैं आई हूँ, लेकिन आने के बाद मुझे भयानक हेडेक हुआ, भयानक मतलब ऐसा कि जैसे लग रहा था कोई हथौड़े चला रहा हो सर में वैसी। और आज भी थोड़ा तबीयत मेरी गड़बड़ी है, इसलिए थोड़ा मैंने अभी कोई हॉल एक हॉल सूट करना था, मुझे एक या दो हॉल सूट करना है, मैंने नहीं किया, और आज सुबह से मैंने कॉम भी नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर आज दोपहर में क्या हुआ कि ये लाइटिंग वाइटिंग की काम, इलेक्ट्रिशियन आप पीछे देख रहे होंगे, लाइटिंग वाइटिंग का काम स्टार्ट हो गया, तो दोपहर में ही मुझे रेस्ट करने का मौका नहीं मिला है, तो थोड़ा सा आज थोड़ा लो फील कर रही हूँ। तो कल इतना भयानक हेडेक हुआ कि फिर मतलब ऊपर से कोई सरदर्द का मेडिसिन भी नहीं मिल रहा था, एकदम सच में मैं परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने एंड नहीं किया है, मैं सो गई हूँ। ऐसे इंडिया मैच हार गई, अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं मैच वैच नहीं, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच में, मैं नहीं देखती हूँ किसी कोई भी स्पोर्ट्स, कोई मैच नहीं देखती हूँ। जय भी कम ही देखते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो वो पूरा देखकर आए थे, उनकी भी शक्ल लटकी हुई थी आने के बाद, तो बहुत सारे लोग दुखी हो गए थे। एनीवेज तो आज का बड़ा नॉर्मल सा दिन था, घर में ही कुछ तैयारियाँ हुई हैं, मैं आपको अपनी लाइटिंग दिखा देती हूँ। तो ये ऊपर ऐसे सिंपल सा है, ये आजकल क्रिसमस लाइट बोल करके ये ऑनलाइन भी बहुत इजीली मिल जाता है, तो हमने क्योंकि आप सामने भी देखोगे ना दूसरों की बालकनी में भी, इसमें ही कुछ डिफरेंट डिज़ाइन में है, बस ऊपर भी वैसा ही कुछ है, कुछ लोग डिफरेंट किए हैं, बट और दूसरे बिल्डिंग्स भी जो इसके आगे भी बिल्डिंग्स है मोस्टली ये लाइट्स ज़्यादातर लोग लगाए हुए हैं। और फिर नीचे यहाँ इस रेलिंग पे मैंने इस तरह से पूरी एक लड़ी जो है ऐसे लगवा दी है, और ये वाली चीज़ सेम बाकी के तीनों बालकनी में भी है। सारे गमले जो है साइड किए हुए हैं, इधर हैं, और मैंने आज भी नहीं दिखाया अपने पौधे आपको, अब मैं कल दिखाऊंगी, इधर हैं और इधर हैं। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि खाना वाना बन गया है, अब हम लोग भी डिनर करेंगे, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी सो ही जाऊँगी। मीठी चलिए, मीठी आ जाओ, ठंड है बाहर, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। आज मैं इसे वॉक पे भी लेके नहीं गई, और नीचे दिखाती हूँ एक चीज़ बहुत अच्छा है, ये नीचे का गार्डन आप देखो कितना अच्छा इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ। अभी जैसे जैसे दिवाली आएगी ना, धीरे धीरे और भी रोशनी जो है इस तरह की बढ़ती जाएगी। और अब मिठी को दिखाया ये चीज़, जय को इसी बात का डर था कि ये इस पर चढ़ के इससे पकड़ के नोचे ना, अब वो अपना इसको नीचे रखेगी और फिर उस पर चढ़ेगी। इस लड़की ना ठीक ही प्रोडक्ट किए थे, वो गलत नहीं किए थे। ठीक है, मैं इसको लेके चलती हूँ अंदर, और इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड, मिलती हूँ आप लोगों से कल विद अ न्यू ब्लॉग। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं पहले नहीं बोला करती थी ये सब चीज़ें, लेकिन बोलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट। तुम रात को सोने आई हो तो इसका क्या करोगी मीठी?
हेलो बोलो पापा। हम्म।